हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन का 11th नंबर का पार्ट। इंटीग्रेशन पर कंप्लीट हमारा सीरीज चल रहा है और इंटीग्रेशन के हर पार्ट को, ये 11 नंबर का पार्ट है और हर पार्ट को मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर समझा रहा हूँ। और अभी हमारा चल रहा है पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न पर आधारित समाकलन। और मैंने स्पेशली इसके लिए थ्री पार्ट कवर किया। लास्ट पार्ट आपने देखा होगा तो मैंने डिस्कस किया था। और आज मैं जो आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ पार्शियल फ्रैक्शन का, वो यूनिक कलेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का है। और मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि यदि बोर्ड एग्जाम में इंटीग्रेशन से यदि अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता है तो यहाँ से कवर होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप IIT JEE के प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन में। तो आज का मेरा स्पेशल क्लास है ये, और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मैं कराऊं जिससे पार्शियल फ्रैक्शन का स्पेशल पार्ट कवर हो। क्लियर? तो आगे चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास और अपने क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ वो है इंटीग्रेशन ऑफ x² + x² + 4 dx। देखो, इस तरह का क्वेश्चन देखने के बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है उसमें कुछ स्पेशल करना है। क्योंकि यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करोगे तो ये आप नहीं तोड़ सकते, इसको भी तोड़ नहीं सकते, तो ax + b cx + d बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमको थोड़ा सा स्पेशल अपने को दिमाग लगाना है, वो ये है कि यहाँ पर हमको कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। सबसे पहले इंटीग्रेशन करने के पहले, पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ने के पहले यहाँ पर पुट करो। और यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं x² = (t), यहाँ पर हम x² = (t) सपोज कर लेते हैं। क्लियर? Therefore, इसका हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx = हो जाएगा dt। और यहाँ से x² अपने को चाहिए, x का वैल्यू, क्वेश्चन तो यही है। सब्स्टिट्यूशन करने के बजाय पहले हम इसको कर लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक। दो तरीके हैं, पहले पार्शियल फ्रैक्शन में हम ब्रेक करते हैं इसको, ओके? ये ज़्यादा आसान होगा, अदरवाइज लेंदी हो जाएगा। तो पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन करने के बाद। थोड़ा नया टेक्निक है यहाँ पर, पुट x² = t, डिफ्रेंशिएट मत करो, सीधा इसको पुट कर दो। तो हमारा क्वेश्चन डाइवर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, i = x² की जगह में अपन t पुट करेंगे और अपन ये हो जाएगा t + 1 और ये t + 4 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर dx, क्लियर? तो dx का वैल्यू हमको अभी यहाँ पर नहीं पुट करना है, ये बात यहाँ पर ध्यान रखना। मतलब हमको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, जैसे मैं अभी कर रहा था वो करेंगे तो फिर बहुत लेंदी होगा, बाद में उसका सब्स्टिट्यूशन करने में आंसर बहुत बड़ा होगा। तो यहाँ पर आप क्या करो, इसमें वैल्यू को पुट अप करो और इंटीग्रेशन फॉर्म में इसको मत लिखो, सिर्फ ये वैल्यू को पुट करने के बाद हम उसका वैल्यू फाइंड करते हैं। लिखने के तरीके को थोड़ा बदल रहा हूँ मैं, मतलब इंटीग्रेशन फॉर्म में ना पुट करके देयरफॉर हम सिर्फ इतने को सब्स्टिट्यूट करें, ये जो मैंने घेरा है, विदाउट इंटीग्रेशन, बिना इंटीग्रेशन किए पुट x² + t, तो ये हो जाएगा t + 1 और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा t + 4। और इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा a/(t + 1) + b/(t + 4) इस फॉर्म में। मतलब क्या किया मैंने, समझ में आया? हम वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं विदाउट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हम बाद में करेंगे। अब इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करें तो दैट इंप्लाइज t + 1 और t + 4 को पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा t = a (t + 4) + b (t + 1) ये होगा। अब 1 by 1 अपन जीरो करते हैं इसको। तो सबसे पहले इफ़ t = इसको जीरो करो,
तो t इक्वल टू माइनस वन, देन ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पर अपन माइनस वन पुट करेंगे तो थ्री होगा, थ्री आई इक्वल टू, और इधर वन माइनस वन, माइनस वन इक्वल थ्री ए, ये जीरो हो गया, देयर फोर ए इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, ये हो गया क्लियर। अब हम यहाँ पर पुट करते हैं, नाउ पुट टी इक्वल, अब इसको जीरो पुट कर लेते हैं, तो टी इक्वल टू हम क्या पुट कर लें, माइनस फोर, देन माइनस फोर इक्वल, ये वाला पोर्शन जीरो हो गया, और माइनस फोर पुट करूँगा तो माइनस फोर प्लस वन क्या हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस थ्री बी, माइनस थ्री बी, देयर फोर बी इक्वल टू फोर बाई थ्री, ये हमको ए और बी का वैल्यू फाइंड हो गया। ए और बी का वैल्यू फाइंड होने के बाद हम इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो देयर फोर टी अपॉन टी प्लस वन इंटू टी प्लस फोर इक्वल, ए का वैल्यू क्या है, माइनस वन बाई थ्री, तो माइनस वन बाई थ्री टी प्लस वन, और प्लस प्लस फोर बाई थ्री टी प्लस फोर। ओके, तो यहाँ पर हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन में यहाँ तक ब्रेक कर लेते हैं, माइनस वन अपॉन थ्री टी प्लस वन, अब या तो पहले इसको इंटीग्रेशन करें या सब्स्टिट्यूशन को वापस उसमें डाल दें, सब्स्टिट्यूशन को डालने से ज़्यादा आसान हो जाएगा। नाउ दैट इम्प्लाइज, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट करके लिख रहा हूँ, ध्यान देना, दैट इम्प्लाइज केवल पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ते तक ही इसका यूज़ करना है, इसके बाद इस वैल्यू को वहाँ पर पुट अप कर दो। सबसे पहले हमने इसको इस फॉर्म में लाया ताकि पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ने में आसान हो, मतलब यहाँ पर जो ट्रिक्स अपनाया गया वो सिर्फ आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए, बाद में उसका वैल्यू को अगेन सब्स्टिट्यूट कर दो तो t का वैल्यू क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल माइनस वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर, इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं अपन, और इसके बाद इंटीग्रेशन कर देते हैं तो बहुत आसानी से फिर ये इंटीग्रेट हो जाएगा क्लियर। अब इसके बाद इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा, देखो इस पोर्शन को मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ ताकि हमको पता चलता रहे, साइड को देखना पड़ता है, इस पोर्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं। नाउ इंटीग्रेट, अब यदि हम इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको हम सीधा आई लिख सकते थे, चलो एक बार लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये मैंने कंप्लीट लिख दिया इसको। अब दोनों, अब इस साइड का तो ये तो हमारा i हो गया, दैट इक्वल i भी लिख सकते थे खाली, इसको i लिखने से भी काम चलेगा, मैंने कंप्लीट लिख दिया। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री को कॉमन कर लिया, यहाँ से कांस्टेंट है, और यहाँ पर dx है ना, ये dx यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर भी dx नहीं लिख पाया, ये तो हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस फोर अपॉन थ्री इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स दैट इक्वल माइनस वन अपॉन थ्री। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, तो ए का वैल्यू यहाँ पर वन है तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा फोर अपॉन थ्री इंटू वन अपॉन ए, ए का वैल्यू यहाँ पर टू, टू का स्क्वायर लिख सकते हैं तो वन अपॉन टू, और टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू प्लस सी।
दैट इक्वल, और इसको सॉल्व कर लें तो माइनस वन अपॉन थ्री टेन इनवर्स एक्स प्लस, यहाँ पर टू टू जा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टू बाई थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर, आंसर टेली कर लें एक बार अपन, माइनस वन अपॉन थ्री टेन इनवर्स एक्स प्लस टू बाई थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आंशिक भिन्नम यहाँ पर जो तोड़ा गया है, स्टार्टिंग में जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ा, वो ध्यान रखना वो एक आसान तरीका है उसको सॉल्व करने का, ठीक है। अब दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं अपन, क्वेश्चन जैसे मैं पहले बना रहा था वैसा ही बना सकते हैं। इसको मैं एक बार कंप्लीट आपको एक साथ दिखा दूँ सबको मर्ज करके। तो ये देखो आप, यहाँ पर सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर को टी सपोज किया, इस फॉर्म को चेंज कर दिया और पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया, फिर बाद में हमने टी के वैल्यू को पुट अप कर दिया और इंटीग्रेशन कर दिया इस तरीके से। तो ये एक नया पैटर्न मैंने आपको यहाँ पर बताया, एक न्यू पैटर्न आप यहाँ पर देख रहे हो कि किस तरीके से हम उसको स्टार्टिंग में सॉल्व करते हैं। आज जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इस तरह के मिसलेनियस टाइप का कलेक्शन है, जहाँ पर स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है कि मैं इसको कैसे करूँ, इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने किया नहीं है। जितने क्वेश्चन बताऊँगा सब उसी पैटर्न के होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेलेक्ट कर लें हम dx अपॉन एक्स एक्स टू पावर फोर माइनस वन आई इक्वल, यह बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, अलग अलग बोर्ड में, अलग अलग बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, इसको देखने से भी ऑब्जर्व नहीं होता कि इसको हमको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये दो लाइन सॉल्व करने के बाद अभी जैसे बताया उस पैटर्न में ही चला जाएगा। देखो इसको हम सबसे पहले सॉल्व कर लें तो दैट इक्वल ये क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वन, इसको भी वन का स्क्वायर लिख सकते हैं। दैट इक्वल इसको हम फैक्टराइज कर लें तो लिख सकते हैं dx अपॉन एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वन और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस फॉर्म में लिखने के बाद हमारे पास दो तरीका है आगे इसको सॉल्व करने का, दो तरीका है। एक तरीका इसको फिर फैक्टराइज करें एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, और इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन का फैक्टराइजेशन नहीं हो पाता तो उसको बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखें जैसे मैंने पहले आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ अभी वाला पैटर्न जो हमने अभी यूज़ किया। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का एक स्पेशल, देखो यहाँ दो मेथड में बताया ना, उस पर नहीं जा रहा हूँ मैं, एक एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ए अपॉन एक्स प्लस वन बी अपॉन एक्स माइनस वन, जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको समझाया है। लेकिन मैं यहाँ पर पैटर्न को चेंज कर रहा हूँ कैसे, जैसे मैंने अभी बताया, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, थोड़ा ध्यान देना। नाउ पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, जैसा मैंने यहाँ पर बताया, तो देयरफॉर इसका वैल्यू हम पुट अप कर दें तो ये हो जाएगा वन अपॉन टी माइनस वन और ये हो जाएगा टी प्लस वन। ये थोड़ा आसान तरीका है पार्शियल फ्रैक्शन में दो ब्रेक करने का, तो ये हो जाएगा और दैट इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए अपॉन टी माइनस वन प्लस बी अपॉन टी प्लस वन, इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक कर लेते हैं, पहले तो हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, दैट इंप्लाइज वन इक्वल ए इंटू टी प्लस वन प्लस बी इंटू टी माइनस वन। नाउ पुट टी इक्वल टू वन, देन टी इक्वल टू वन यदि हम पुट कर लें तो टी इक्वल टू वन पुट करने पर यह जीरो होगा, देन वन इक्वल टू यहां पर पुट करेंगे एक वैल्यू टी का वैल्यू वन, तो टू टी होगा टू ए, तो टू ए देयर फोर ए इक्वल टू वन बाई टू, ये ए का वैल्यू हो गया। और नाउ पुट टी इक्वल टू माइनस वन, देन वन इक्वल माइनस पुट ये पुट होगा, माइनस वन करेंगे तो माइनस टू बी होगा, देयर फोर बी इक्वल टू माइनस वन बाई टू, तो ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। देयर फोर
देयरफॉर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टी माइनस 1 इंटू, अब आप समझ गए होगा प्रीवियस पैटर्न पर चल रहा हूं मैं, टी प्लस 1 इक्वल ए का वैल्यू 1 बाई 2, 1 अपॉन 2 टी माइनस 1 और ये माइनस है तो माइनस 1 अपॉन 2 टी प्लस 1। अब हम अगेन जैसे भी बताया टी का वैल्यू को हम एक्स स्क्वायर यहां पर पुट कर देते हैं, तो नाउ अब ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोबारा पुट अप कर रहे हैं, इक्वल टू 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा। इसके बाद अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है, इसके बाद इंटीग्रेट करना है तो हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया है, इस फॉर्म से हमको आई का वैल्यू है, ये आई का वैल्यू है तो आई इक्वल टू मिल जाएगा, ठीक है, इसको तो मैं मूव कर दूं यहाँ पर, देयरफॉर आई इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देयरफॉर आई इक्वल इंटीग्रेशन आप 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स, ये हमारा क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर दें, दैट इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस 1, ये डीएक्स यहाँ लिख दिया, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 1 डीएक्स, क्लियर, दैट इक्वल, अब हम इसको फार्मूला लिख देते हैं, डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, किस फॉर्म में क्वेश्चन है, फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2 2a लॉग एक्स माइनस ए 1 प्लस ए, फार्मूला को याद रखना, जनरली हम लोग को फार्मूला याद नहीं रहता, 1/2 तो 1/2 है और इसके फार्मूला में होता है 1/2a, तो a का वैल्यू क्या है पर 1 है, तो 1/2a मतलब ये, और ये होता है लॉग एक्स माइनस ए मतलब एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस 1 ही होता है फार्मूला में, क्लियर, और माइनस 1/2 ये तो 10 में है, माइनस 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 के, तो ये फार्मूला आप लोग को याद होगा, इस तरह से फाइनल आंसर आएगा, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर में 1/4 दिया है, 1/4 लॉग एक्स माइनस 1/x प्लस 1 माइनस 1/2 टेन इनवर्स एक्स, क्लियर। फाइनल आंसर मैं जनरली टेली करता ही हूँ क्योंकि आप भी हमेशा ध्यान रखना, जब प्रैक्टिस करोगे कहीं पर पार्शियल फ्रैक्शन में कास का प्लस का माइनस कुछ हो गया तो फाइनल आंसर में मिस्टेक हो जाता है, तो उसको एक बार आपको चेक कर लेना है, और एग्ज़ाम में जब देना है तो पूरे कॉन्फिडेंस से करने के बाद आपके पास टाइम रहता है, एक बार रीचेक कर लेना है, खासकर ये फार्मूला लगाते समय, ठीक है। इसको मैं यदि पूरा कंप्लीट लिख दूँ तो 1/4 ये तो मिटा दें अपन, 1/4 लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर है, ओके। तो इस क्वेश्चन में क्या खास बात थी, इसको फिर मैं, ये तो आपने यहाँ तक कर लिया, अब मैं इसको फिर एक साथ शो कर दूँ आपको, इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको वाच करना है कि मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करना है, ये दो फैक्टर आएंगे, यहाँ पर प्रीवियस मेथड में भी आप जा सकते हैं जैसे मैंने बताया, तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ए अपॉन बी इसका जस्ट 2 times, मतलब ये यदि 7 स्टेप में बना हुआ है तो वो 14-15 स्टेप चला जाएगा, तो यहाँ पर स्पेशली केयर करना है कि जिस तरीके से मैं यहाँ पर इसको ब्रेक कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बताया कि स्पेशल टाइप है, आज जो मैं क्लास ले रहा हूँ वो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन का कलेक्शन है, जहाँ पर हम उसको दूसरे तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड है ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन शुरू से, उससे हट के, मतलब थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करने के बाद
यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन में, और अगेन उसको सब्स्टिट्यूट किया, फिर इंटीग्रेशन किया, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है आपके लिए, ये सब्स्टिट्यूशन पर है। उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन और बताया था, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है करके बता रहा हूं। ई टू द पावर, इस तरह का क्वेश्चन मैंने बताया था लास्ट टाइम, लेकिन ये क्वेश्चन सेलेक्टेड है। ई टू द पावर एक्स अपन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, 2 प्लस ई टू द पावर एक्स, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स और इनटू 2 प्लस ई टू द पावर एक्स, ये dx। तो यहाँ नेचुरली आपको देखने समझ में आ गया होगा कि ई टू द पावर एक्स वाला क्वेश्चन आपने और इंटीग्रेशन में किया है। यहाँ देखने से ये पार्शियल फ्रैक्शन वाच नहीं होता, एक साइन कास वाला मैंने पिछला वीडियो में आपने देखा होगा कि साइन और कास था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यदि आप कंटिन्यूअस मेरा वीडियो देख रहे होगे, जो हर पार्ट को मेरा देख रहे हैं उनको याद होगा कि वहाँ पर फिर हम साइन कास एक्स को टी सपोज करने के बाद साइन एक्स कास एक्स को सब्स्टिट्यूट किए थे। यहाँ पर ई टू द पावर एक्स को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो स्टार्टिंग से ही यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, नाउ पुट, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। देखो हर क्वेश्चन में टेक्निक बदलते जा रहा है। नाउ पुट ई टू द पावर एक्स इक्वल टू टी, अब यहाँ पर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ई टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डी टी मिल जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो इससे पहले जो पार्शियल फ्रैक्शन किया था उसमें सब्स्टिट्यूशन के बाद पार्शियल फ्रैक्शन करके तोड़ते थे, फिर उसको इंटीग्रेट करते थे। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन को शुरू से डिफ्रेंशिएट करके वहाँ पर पुट कर दिया, तो देयर फॉर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर डाल देते हैं, ई टू द पावर एक्स डी एक्स क्या हो गया, डी टी हो गया, और अपॉन वन प्लस ई टू द पावर एक्स, तो ये हो गया 1 प्लस टी और ये हो गया 2 प्लस टी। तो देखो दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, हम यहाँ पर इसको पूरा सब्स्टिट्यूट करने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, और इससे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इंटीग्रेशन करते थे, ठीक है। चलिए देखें अब हम क्या करें, इसको अलग से लेते हैं ये क्वेश्चन को। नाउ अब आगे का काम तो आसान है, आप समझ गए होंगे। नाउ लेट 1 अपॉन 1 प्लस टी और 2 प्लस टी इक्वल, अब आगे बताने की जरूरत भी नहीं है लेकिन मैं कंप्लीट कर देता हूँ, प्लस बी अपॉन 2 प्लस टी, दैट इम्प्लाइज 1 इक्वल ए इंटू, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस टी प्लस बी इंटू 1 प्लस टी। नाउ पुट, क्या करें अपन, टी इक्वल टू पुट कर दें क्या, माइनस 1, देन इधर 1 इक्वल टू, यहाँ माइनस 1 पुट करेंगे तो क्या बचेगा, 1, माइनस 1 पुट करेंगे टी की जगह में तो और वहाँ पर तो 0 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू 1 हो गया। एंड नाउ पुट टी इक्वल टू माइनस 2, देन माइनस 2 पुट करें यहाँ से तो 2 इक्वल टू ये 0 होगा, माइनस 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस बी, देयर फॉर बी इक्वल टू माइनस 2, ये हो जाएगा, ओके माइनस भी होगा ना, माइनस टू पुट करेंगे तो इधर तो 1 है, ओके। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या, किस फॉर्म में चलाएगा, देखो ये हो जाएगा, इसको मूव कर दूं मैं, देयरफॉर यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन को पुट कर दे पार्शियल फ्रैक्शन में तो 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इक्वल ए अपॉन 1 प्लस टी, ए का वैल्यू 1, तो हो गया 1 अपॉन 1 प्लस टी, माइनस 2 उसका वैल्यू आया बी का, तो माइनस 2 अपॉन 2 प्लस टी, ये हो जाएगा। अब इसके बाद अपन इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो सीधा अपन लिखेंगे नाउ आई इक्वल, सब्स्टिट्यूशन के साथ अपन पुट करते हैं, उसके वैल्यू को लास्ट में पुट करेंगे, तो नाउ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी माइनस 2 अपॉन 2 प्लस टी, इसका इंटीग्रेशन होगा क्या, डी टी के फॉर्म में, क्योंकि हमने अपने पूरे क्वेश्चन को स्टार्टिंग से ही चेंज कर दिया है। तो कंफ्यूज मत होना, इसमें ध्यान रखना कि कब कब मैं कैसे कर रहा हूँ, अभी इसमें टी के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, पहले एस के रेस्पेक्ट में किया था। वैसे सब क्वेश्चन को एक साथ आप देखोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। दैट इक्वल, इसका इंटीग्रेशन कर दें अलग से,
वन अपॉन वन प्लस टी डी टी माइनस टू अपॉन वन अपॉन टू प्लस टी, ये डी टी लिख दिया यहाँ डी टी, दैट इक्वल ये हो जाएगा लॉग वन प्लस टी माइनस टू लॉग टू प्लस टी प्लस सी। अब हम यहाँ पर टी का वैल्यू पुट अप करेंगे, तो टी का वैल्यू हमने क्या पुट किया था, देखो यहाँ पर हमने टी का वैल्यू पुट किया है क्या, ई टू दी पावर एक्स, तो यहाँ पर हम फाइनल आंसर में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग वन प्लस ई टू दी पावर एक्स माइनस टू लॉग टू प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं उसका पावर में स्क्वायर डाल के, लॉग वन प्लस ई टू दी पावर एक्स माइनस कुछ मिस्टेक किया क्या, आंसर नहीं आ रहा है, t इक्वल टू माइनस टू पुट, ओह तभी आंसर नहीं आ रहा है, t इक्वल टू मैंने माइनस टू पुट कर दिया तो लेफ्ट साइड में तो वन ही लिखना था ना मेरे को, यहाँ पर टू लिख दिया, वन की जगह टू लिख दिया, यहाँ तो माइनस टू, ये इसको धोखे से मैंने टू लिख दिया, तभी आंसर नहीं आ रहा था, बाद में दोनों मर्ज भी हो जाता। ओके चलो इसको मैं सुधार देता हूँ, यही चीज़ बोल रहा था मैं आपको, थोड़ा सावधानी से करने का है, मैंने ध्यान नहीं दिया, देखो लेफ्ट में यहाँ क्या है वन है, तो यहाँ पर क्या आएगा वन आएगा, यह भी माइनस वन हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर भी टू है सब माइनस वन हो जाएगा, सबको पहले हटा देता हूँ मैं, ये वन हो जाएगा, 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 टू का काम नहीं है, तभी आंसर टेली नहीं हो पाया ये वन, तो यहाँ पर वन ही रहेगा। तो अब यहाँ पर लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एम अपॉन एन लिख सकते हैं ना, थोड़ा सा इसको ऊपर करके लिख दूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा दैट इक्वल लॉग एम माइनस लॉग एन, तो वन प्लस, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आंसर इस फॉर्म में दिया है, टू प्लस ई टू दी पावर एक्स, ये लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन और प्लस सी, ये इस फॉर्म में आंसर दिया है। जनरली मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन ही कवर करा रहा हूँ आपको, लॉग वन प्लस ई पावर एक्स टू प्लस ई पावर एक्स। ओके ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, यहाँ पर मैंने सुधार दिया, इसको वन था उसको टू, टू पुट अप किया ना तो उधर भी टू लिख दिया। चलिए देखिए एक साथ मैं इसको मर्ज कर दूं और एक साथ आप देखो इस तरह से, एक साथ भी आप देखने से ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, पहले मैं पार्ट पार्ट में उसको समझा देता हूँ हर पार्ट को बड़ा राइटिंग से, इसके बाद मैं एक साथ आपको फाइनल पेज को इसे दिखाता हूँ कि बाद में जैसे आप इसको कंटिन्यूअस में देखना चाहोगे तो एक साथ पूरा क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, लेकिन आप तो पार्ट पार्ट में, जैसे अपन कॉपी के पेज पलट पलट के देखते हैं ना, वहाँ पर हमारे पास सुविधा नहीं होती कि सभी पेज को एक साथ अपन ज्वाइंट कर दे, तो मैं लास्ट में इसे ज्वाइंट कर देता हूँ, इतना तो आपको अच्छे से दिखता होगा। ओके चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था शायद आज का ना, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और एक नए ही पैटर्न पर आपको लेके चलता हूँ अब मैं आपको, और वो नया पैटर्न है एकदम यूनिक, रेयर, रेयर ऑफ द रेयर कर सकते हो आप, जो बिल्कुल नया पैटर्न है और ये आपको सीखना ज़रूरी है, जिसमें क्वेश्चन इस फॉर्म में रहेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यह रेयर कंडीशन है, यूनिक है, कई बुक में आपको मिलेगा भी नहीं और आता है एग्जाम में, एक्स स्क्वायर प्लस वन बेसिकली हम कहें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स टू दी पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स। देखो आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि अभी जितना हम टेक्निक अपनाएं कोई काम नहीं करने वाला है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को यदि हम टी भी सपोज कर लें तो ऊपर टी प्लस वन, फिर टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, फिर उसको आप क्या करोगे तोड़ोगे तो वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के फैक्टराइज करोगे बहुत लंबा चला जाएगा। तो ये स्पेशल पैटर्न के क्वेश्चन हैं, इसके दो तीन क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ,
और इसको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। तो जैसे आपको एक्स टू दी पावर 4 और इस फॉर्म का क्वेश्चन मिले तो उसका एक स्पेशल मेथड है, उसे ही फॉलो करना है। और वो कैसे है ध्यान दीजिए। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो, इसका फिक्स पैटर्न नहीं है। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन करूँगा तो एक्स स्क्वायर का अंदर डिवाइड होगा तो ये 1 हो जाएगा और ये प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हो गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन, यहाँ से भी अपन एक्स स्क्वायर को कॉमन करें तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर लें तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस ये 1 हो जाएगा और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सब में डिवाइड होगा तो। क्लियर। अब वो एक्स स्क्वायर जो हमने कॉमन किया है इसमें ये दोनों क्या होंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। दोनों कैंसल आउट होने के बाद हमारा ये जो फॉर्म मिलेगा दैट इक्वल ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन। अब ध्यान देना, इसको हमको होल स्क्वायर बनाना है, इसको हमको होल स्क्वायर बनाना है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स, पहले एक्स लिख दूँ, एक ही मतलब है एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्या एडजस्टमेंट किया मैंने, ध्यान देना, एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा माइनस 2 और यहाँ पर है माइनस 1। तो माइनस 2 को माइनस 1 करने के लिए मुझे लास्ट में क्या करना पड़ेगा, प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा। अब हमने ऐसा क्यों किया, थोड़ा ध्यान देना, ये होगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए और यह है बी स्क्वायर, यह है ए स्क्वायर, यह है बी स्क्वायर, यह है 2 ए बी, इस फॉर्म में आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन की खासियत है कि इस तरह का सिचुएशन आपको मिलेगा ही। ये जो क्रॉस किया हूँ वो यदि आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा एक्स के फॉर्म में तो सबको हटा के मैं इनटू इसको डॉट कर देता हूँ, ओके, इस फॉर्म में होगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो अब हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स और अपॉन, अपॉन में इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। ये खास बात है इस क्वेश्चन में, जब इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा उसके बाद जो डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स आप देख रहे हो उसको टी सपोज कर लो, ये मेथड है इसका। नाउ पुट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू टी। अब इसका हम करते हैं डिफरेंशिएट, इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो इसका 1 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर उसका पावर ऊपर जाके माइनस 1 होगा, उतना डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो माइनस सामने आके क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस और एक्स टू दी पावर माइनस 1 जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इतना डिफरेंशिएशन आना चाहिए भाई, यदि ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं आता तो कैलकुलस पूरा पुअर है, फिर आपको पीछे जाके पहले अवकलन का प्रैक्टिस अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये जो आया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर है, देखो ये हमारे क्वेश्चन में क्रिएट हो चुका है, कहाँ ये क्रिएट हो चुका है, ये खासियत है इस क्वेश्चन में। अब उसके जगह में हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। तो देयर फॉर अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आई इक्वल टू, कितना ईजी फॉर्म में आ गया ये, डी टी अपॉन, ये हमने सपोज किया है क्या टी, तो हो गया टी प्लस 1। कितना इजी फॉर्म में आ गया क्वेश्चन, देखो कैसा दिख रहा था और दो लाइन का ये वर्क करने के बाद है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पैटर्न का फॉर्म है, बहुत से राइटर ने इस पैटर्न के क्वेश्चन कवर भी नहीं किए हैं। अब इसका इंटीग्रेशन होगा तो दैट इक्वल ये हो गया लॉग टी प्लस 1 प्लस सी दैट इक्वल लॉग टी प्लस 1। तो टी का वैल्यू हमने क्या सपोज किया है, टी सपोज किया है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। क्या आंसर देता है भाई एनसीईआरटी, सपोज क्या किया था हमने, सपोज तो उल्टा कर दिया क्या, कुछ आंसर कैसे नहीं आया, टी स्क्वायर प्लस 1 आएगा। ओह यहाँ पर मैंने इसका वैल्यू पुट अप किया तो x माइनस 1 अपॉन एक्स,
एक्स माइनस वन अपन एक्स को हमने टी सपोज किया है, ये एक्स माइनस वन अपन, और इसमें इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर मैं स्क्वायर नहीं लगा पाया तो ये फार्मूला ही चेंज हो गया। छोटा छोटा बात को ध्यान नहीं दे रहे, समझ में आया ना आपको। एक्स माइनस वन अपन एक्स को टी सपोज किया है, यहाँ पर टी को मैं बस रख दिया, पावर टू को ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर टी बस में टी स्क्वायर प्लस वन आएगा तो पूरा फार्मूला ही चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा टेन इनवर्स टी प्लस सी इक्वल टू, मैं लॉग में लिख दिया था टेन इनवर्स, अब इसका वैल्यू पुट करो एक्स माइनस वन अपन एक्स प्लस सी। वही मैं सोच रहा था आंसर कहाँ गायब हो गया, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपन एक्स एनसीईआरटी में, और इसको सिंप्लीफाई करके दिया है, ज़रूरत नहीं है फिर भी मैं भी कर देता हूँ, और एनसीईआरटी ने इसमें सॉल्व किया, इसको एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स इसको ज़रूरत नहीं है ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लोगे तो एक्स एलसीएम आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपन एक्स, इस फॉर्म में भी आंसर चलेगा और उस फॉर्म में भी चलेगा। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है देखो, और इसमें आप स्पेशल क्वेश्चन है, स्टेप कम है, दिमाग आपको लगाना है। एक और मैं इसमें लेता हूँ आपको, यहाँ माइनस के फॉर्म में था अब मैं प्लस के फॉर्म में लेता हूँ, दो क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको कभी कन्फ्यूज़न ना हो कि यहाँ माइनस होगा, तो ध्यान रखना बहुत मज़ेदार टॉपिक है, एक बार आप समझ गए तो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, ये केयर करना, और क्वेश्चन में यदि यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होना पड़ेगा, सेटिंग ही ऐसा है उसका। तो मैं ऐसा भी क्वेश्चन एक आपको बता देता हूँ ताकि आपको दोनों तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाए और उस तरह का क्वेश्चन आने से कभी कन्फ्यूज़न ना हो। देखो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं मैथमेटिक्स में आपको उस स्टैंडर्ड का कंटेंट्स प्रोवाइड करा सकूं कि जितने स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर डिपेंड हैं, जितने स्टूडेंट्स मेरे भरोसे हैं, वो उनको कहीं भी कोई कमी ना आए, इसलिए मैं किसी पैटर्न को ऐसा स्किप नहीं कर रहा हूँ, उसको छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सब पैटर्न आपको बता सकूँ। थोड़ा अभी कुछ दिनों से वीडियो डिले हुआ, उसके कुछ रीज़न है मेरे पास का कि अभी ऑफलाइन क्लास में बोर्ड एग्जाम प्री बोर्ड एग्जाम से कुछ व्यस्तता हो जाती है, ऐसा नहीं कि मैं लापरवाही से नहीं बना रहा हूँ, और अभी कोशिश करूँगा कंटिन्यूस करने का। अलग अलग स्टेट में अभी जो बोर्ड एग्जाम है स्टेट बोर्ड के, वो अलग अलग डेट डिक्लेयर किया हुआ है, CBSE ने मई में किया हुआ है, बेसिकली मेरा जो स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ है वो CBSE बोर्ड पर बेस्ड है, तो मई पर किया हुआ है तो अपने पास टाइम है, सफिशियंट टाइम है कह सकते हैं, तो उस कारण से भी थोड़ा सा डिले हो गया, ठीक है, तो वो हो जाएगा, आप थोड़ा सा खुद से भी मेहनत करिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वन अपन, अभी आपको बताया एक्स स्क्वायर माइनस वन ऊपर माइनस रहेगा नीचे प्लस रहेगा, एक्स टू दी पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, वही टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ, वही क्वेश्चन है समझ लो, केवल प्लस माइनस का इसमें डिफरेंस है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, क्या करना है आप समझ गए हैं, मेथड तो क्लियर है आपको। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे इसको, सॉरी, सबसे पहले आई इक्वल इंटीग्रेशन, आप यहां से एक्स कॉमन करने बोला मैं एक्स स्क्वायर, तो आएगा वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसके अंदर डिवाइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इक्वल यहां से ये दोनों एक्स स्क्वायर ये कट जाएंगे और हमको क्या मिल जाएगा, देखो ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, अब इसको मैं एडजस्टमेंट करूं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, कुछ प्रैक्टिस के बाद आपको सब याद हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे अब ध्यान देना, यहाँ पर था क्या वन तो मैंने टू लिख दिया, एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, और क्या वन था टू लिख दिया, एक ज़्यादा लिख दिया तो यहाँ पर माइनस वन, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है ताकि आपको तुलनात्मक में उसको बता सकूं। ओके, दैट इक्वल अब क्या हो जाएगा, ये वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन ये हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन, क्लियर यहां तक। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको इसको टी सपोज करना है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को टी सपोज करना है, नाउ पुट नाउ लेट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टी,
इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 प्लस, अब इसका क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट अप कर दें तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देयर फोर, अब आगे आप समझ गया होगा, आसान है। तो ये 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हम क्या पुट कर सकते हैं, डी टी और अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, सॉरी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स को हमने टी सपोज किया है तो यहाँ पर रखेंगे तो टी स्क्वायर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 दैट इक्वल। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस फॉर्म में आ जाएगा, ये जो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसके फॉर्म में, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या फार्मूला होता है, 1 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1 इंटू लॉग एक्स माइनस 1 मतलब t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस c, यही होता है ना फार्मूला, दैट इक्वल 1 अपॉन 2 लॉग, अब वैल्यू को पुट अप कर दो, t का वैल्यू क्या है अपने पास, x प्लस 1 अपॉन x, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, क्या आंसर देता है भाई, 1/2 लॉग x प्लस 1/x माइनस 1 x प्लस 1, इसको और अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे, ठीक है, बुक में इस फॉर्म में नहीं दिया है आंसर, इसको सिंप्लीफाई करके दिया है, अपन भी करते हैं सिंप्लीफाई इसको, चलो सिंप्लीफाई कर देंगे, तो वैसे ऐसा आंसर दे सकते हो लेकिन आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में देना चाहिए, 1/2 लॉग, और मैं डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा x, यहाँ पर भी x एलसीएम आएगा, x एलसीएम का पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों के एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x और अपॉन नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x प्लस c, और सिस्टमेटिक इसको अरेंज कर दें तो 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर, इसी फॉर्म में दिया है ना आंसर, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक, दिस इज द फाइनल आंसर। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूँ, और आज इसका जो मैं लास्ट क्वेश्चन आपको बताऊँगा वो क्वेश्चन का मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत स्टैंडर्ड उस क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के मेरे क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा क्वेश्चन वही होगा जो मैं आपको लास्ट बताऊंगा। जनरली आप मेरे मैथमेटिक्स का वीडियो देखते होंगे तो आपको ध्यान होगा कि हर सेशन का मेरा लास्ट का क्वेश्चन एक यूनिक क्वेश्चन होता है, और ये बात हमेशा आप ध्यान रखना, कभी भी आप किसी वीडियो को देख रहे हो आप मेरे मैथमेटिक्स का तो आप थोड़ा सा देख के छोड़ दिए, आधा देखे कुछ मज़ा नहीं आया आपको, आप लास्ट क्वेश्चन तक देखो, क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ वो यूनिक होता है, ऐसा मेरा सिस्टम ही, ऐसा मेरा कलेक्शन ही है, इसलिए आप, और उसका तरीका भी है कि आप स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपको लास्ट तक समझ में आएगा, तो मैथमेटिक्स का वीडियो आप बीच में छोड़ दोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ मैं, और ये आज का हमारा यूनिक क्वेश्चन है, ये देखो, आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ टेन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स, इतना फेमस है क्वेश्चन, रूट ऑफ टेन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, रेयर क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप नहीं किया इस पैटर्न पर, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्पेशल पैटर्न का, और ये भी बता दूं ये लास्ट है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, निश्चित समाकलन का मेरा ये अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद हम अनिश्चित समाकलन का, अब हम डेफिनिट इंटीग्रेशन में जाएंगे, ये इनडेफिनिट था, अब हम डेफिनिट में जाएंगे लिमिट वाले, तो यहाँ पर हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देख के ही आपको लग रहा होगा कि क्या खास बात है, इसको तो देखने से समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसा बनेगा भाई, ये कैट जैसे लग रहे हैं ना ठीक से लिख देता हूँ, फिर आप लोग बाद में बोलो क्या लिखा था, ओ कॉट एक्स,
तो इस क्वेश्चन को देखने से ऑब्जर्व नहीं हो रहा है कि इसको कैसे बनाए, ना पार्शियल फ्रैक्शन दिख रहा है, सब्स्टिट्यूशन कुछ भी देख रहा है। तो ये एडजस्टमेंट पर बेस्ट क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन स्पेशल एडजस्टमेंट पर होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं थोड़ा, ये कॉम्पिटिटिव के पैटर्न का क्वेश्चन है। चलिए, तो क्या एडजस्टमेंट है? सबसे पहले तो भाई काट और टेन से कुछ होने वाला नहीं है, तो इसको हम साइन कास में चेंज कर दें। साइन कास में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये रूट ऑफ साइन एक्स। साइन कास में चेंज करें तो कुछ दिखेगा ये, तो रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ कास एक्स, और प्लस ये हो जाएगा रूट ऑफ कास एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स। एक चीज ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस की जान है, समझ लो। यदि ट्रिग्नोमेट्री पुअर है तो आपका कैलकुलस अपने आप पुअर हो जाएगा, कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल एप्लीकेशन बहुत यूज होते हैं इसमें। अब क्या करें, हम इसको एलसीएम ले लेते हैं, कुछ करने को है नहीं भाई, प्लस का साइन है तो प्लस के साइन को यूज कर लेते हैं। प्लस का साइन दिया है मतलब बोल रहा है कि ऐड करो, जोड़ो, उसको बोल रहा है तो ऐड कर लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, रूट ऑफ कास एक्स इंटू रूट ऑफ साइन एक्स। चलो ऐड कर लिया तो क्या होगा, एलसीएम ले लिया तो साइन एक्स के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा साइन एक्स, और यहाँ ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कास एक्स डी एक्स। क्लियर? अब इस फॉर्म में हम इसको लिख लिए, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कास एक्स। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो क्या करें, तो सब्स्टिट्यूशन का तो हमको कहीं पर कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये हम पीछे डिफ्रेंशिएशन से समझे हैं कि साइन एक्स प्लस कास हो तो यदि अपने पास साइन एक्स माइनस कास एक्स हो यदि, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करके इस फॉर्म में पुट कर लेते हैं। तो चलो उसको नया क्रिएट करते हैं अपन, और लिखते हैं स्पेशल एडजस्टमेंट है बोला ना मैं आपको। नाउ अपन पुट कर लेते हैं क्या, साइन एक्स माइनस कास एक्स इक्वल टू टी है नहीं वहां, फिर भी हम उसको ला रहे हैं। तो साइन एक्स माइनस कास एक्स यदि मैं टी सपोज करूं तो इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएट, साइन एक्स का हो जाएगा कास एक्स, और इसका माइनस साइन एक्स, तो प्लस हो जाएगा साइन एक्स और डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। क्लियर यहां तक? तो ये चीज तो समझ में आता है कि ये पुट करने के बाद यहां पर उसको कास एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स को हम डी टी पुट अप कर सकते हैं, और उसका क्या करेंगे अभी आगे देखेंगे। तो देयरफॉर हमारा क्वेश्चन अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इतने को हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। ये हमने डी टी लिख दिया, और अपन अब देखो यहां पर इसको थोड़ा एडजस्टमेंट मुझे पहले कर लेना था, उसके बाद चलो आगे पीछे कभी भी कर सकते हैं। एक मिनट देखो, देखिए यहाँ पर एक एडजस्टमेंट आगे कर लें तो भी चलेगा, यहाँ करें तो भी चलेगा, लेकिन आगे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ थोड़ा ये स्पेशल केयर करना है इसको, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, रूट टू का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और रूट टू को डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसा कर सकते हैं अपन, रूट टू का गुणा कर दिया, रूट टू का भाग कर दिया। ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन क्या होगा, रूट टू को तुम्हें बाहर कर दिया ऊपर वाले को, और नीचे ऊपर तो हो गया ये साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो रूट टू अंदर जाएगा तो रूट टू साइन एक्स कास एक्स, रूट के अंदर में, तो रूट के अंदर में टू साइन एक्स कास एक्स हो जाएगा, और टू साइन एक्स कास एक्स क्या होता है, साइन टू एक्स होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ साइन टू एक्स। इतना आ गया समझ में आपको, क्योंकि सब रूट के अंदर आएंगे, रूट टू भी रूट के अंदर आएगा ये भी, तो अंदर क्या बच जाएगा, रूट ऑफ टू साइन एक्स कास एक्स, और टू साइन एक्स कास एक्स को हम साइन टू एक्स लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया, देखो ये साइन टू एक्स हम क्रिएट करेंगे इसके हेल्प से, तो अभी इसको सब्स्टिट्यूशन को मत डालो। कितना एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन में देखो, तो ये जो हमने लिया है इसके हेल्प से, देखो चूंकि साइन एक्स माइनस कास एक्स इक्वल टू टी लिया है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का मैं स्क्वेयरिंग कर दूं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स कास एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर होगा, और ये हो जाएगा वन। तो मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं और उसको उधर ट्रांसफर कर दूं तो टू साइन एक्स कास एक्स इक्वल टू, ये टू साइन एक्स कास एक्स उधर जाके प्लस, और ये हो जाएगा वन, तो वन माइनस टी स्क्वायर होगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन टू एक्स इक्वल टू वन माइनस टी स्क्वायर। इतना एडजस्टमेंट है देखो इसमें, तो ये जो साइन टू एक्स हमने यहाँ पर लिखा है
उसके जगह में हम पुट कर सकते हैं क्या, 1 - t² ओके। जब इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट अप करेंगे तो फिर इसके बाद इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो देयर फॉर अब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, देखो ध्यान देना क्वेश्चन को, ये सब्सटीट्यूट कर रहे हैं यहाँ पर इस पोर्शन में सब्सटीट्यूट करें तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये साइन एक्स प्लस कॉस डी एक्स क्या है डी टी, रूट टू मैंने बाहर लिख दिया जो बाहर है, और ये हो गया डी टी, और अपान देखो रूट ऑफ साइन टू एक्स, और साइन टू एक्स हमने निकाला है क्या 1 - t², तो रूट ऑफ 1 - t² इस फॉर्म में आएगा, इतना एडजस्टमेंट है क्वेश्चन पर। मैं पहले बताया आपको ये क्वेश्चन रेयर क्वेश्चन है, एक बार रिपीट करूंगा, पहले ध्यान से समझ लो आप इसको। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, देयरफॉर आई इक्वल टू रूट ऑफ 2 और इसका इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट ऑफ a² - x² 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, a² - x² क्या होता है इसका फार्मूला, साइन इनवर्स का फार्मूला है ना, रूट ऑफ a² - x² साइन इनवर्स इसका फार्मूला है, किसका फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ a² - x² इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x अपॉन है ना, हाँ ठीक ये होता है फार्मूला, तो यहाँ a का वैल्यू 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स t प्लस c, दैट इक्वल टू ये हो जाएगा रूट टू अंडर ब्रैकेट साइन इनवर्स, और t हमने किसको सपोज किया है देखो साइन x माइनस कॉस x को, तो ये हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर, रूट टू क्या आंसर आए, रूट टू साइन इनवर्स साइन x माइनस कॉस x प्लस c, ओके। तो ये इसका फाइनल आंसर है, एक बार मैं सबको आपको दिखा दूं किस तरह से क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन तो छोटा सा है, दिमाग बहुत लगाना है, सुनो ध्यान से, टेन और काट के फॉर्म में रहे तो पहले साइन कास में चेंज करो, उसका एलसीएम लो, यहाँ रूट टू का मल्टीप्लाई रूट टू का डिवाइड किया, क्योंकि आगे मेरे को क्या करना है, इसको सब्सटीट्यूट करना है इसके जगह में, तो हमने साइन एक्स प्लस कास एक्स है यहाँ पर, तो उसका अपोजिट साइन को लेके टी सपोज किया, जबकि वहाँ पर है नहीं, तो हर पॉइंट यहाँ एडजस्टमेंट है, जैसे यहाँ रूट टू का मल्टीप्लाई रूट टू का डिवाइड करना महत्वपूर्ण स्टेप है, ये स्टेप को ध्यान रखना, दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप ये ध्यान रखना कि किसको हमको टी सपोज करना है, तो इसको टी सपोज करना है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये आ गया, इसके बाद फिर ये ध्यान रखना है कि ये रूट ऑफ साइन टू एक्स है, तो रूट ऑफ साइन टू एक्स का वैल्यू निकालना ही है और उसको यहाँ पर पुट अप करना है, तो ये रेयर क्वेश्चन है, इसका जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करके दिमाग में नहीं रखोगे, इस तरह के क्वेश्चन को आप हाईलाइट करके रखो, कुछ निशान लगा के रखो, ताकि आप एग्जाम के समय, जैसे ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो सिर्फ कुछ स्पेशल स्टूडेंट ही जो उसको स्पेशल प्रिपरेशन किए हैं बना पाते हैं, बाकी को समझ में नहीं आता कि कैसा है, मतलब इसके लिए स्पेशल प्रिपरेशन चाहिए। तो ये आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं आज कंप्लीट करता हूँ अपने अनिश्चित समाकलन को, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा डेफिनिट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन लिमिट वाला, तब तक आप इसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ओके थैंक यू।